नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ के 9 माल एवेन्यू स्थित अपने बंगले में शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने यहां रविवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि बंगले का निर्माण कार्य चल रहा था, इसलिए उन्हें दिल्ली में ज्यादा वक्त के लिए रुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि बंगले को जरूरत के अनुसार तैयार किया गया है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस शानदार बंगले के लिए भाजपा का शुक्रिया। मायावती ने 13 माल एवेन्यू बंगला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खाली किया था। मायावती ने कहा कि इसे बसपा कार्यकर्ताओं से मिले सहयोग से तैयार किया गया है। बंगले के अंदर मायावती के चित्र लगाए गए हैं, जिसमें वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं। उन्होंने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर हमले किए, कहा कि वादे पूरा न करने के कारण जनता में भाजपा के खिलाफ भारी आक्रोश है। आपको बता दें, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था। मायावती ने अपने नए बंगले में अपने चित्र व मूर्ति लगवा कर अपने राजनीतिक जीवन की यादों को सहेजा है। बंगले की कुछ दृश्य उनके पुराने बंगले की तरह ही नजर आ रहे हैं। मायावती ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को संबोधित भी किया। इस बंगले में मायावती का चित्र भी लगा हुआ है। बाहर से बेहद आलीशान दिखता है मायावती का बंगला। हालांकि पुराने बंगले को खाली कराने के लिए सियासी रुख भी अख्तियार हुआ। भाजपा ने सपा बसपा को निशाना बनाया। आप देख रहे हैं लखनऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।